वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आई हूँ। ये ब्लाउज मैंने इस साड़ी का यहाँ पे वेयर किया हुआ है। ये ब्लाउज है, ये इस साड़ी के साथ ही मिला था और ये 80 सेंटीमीटर का है। इसको मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाया है और स्लीवलेस बनाया है और साथ में इस जो मैंने बैक में इस तरह का डिजाइन दिया है। तो इसकी आज मैं कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आएगा और आगे भी इसी तरह के प्रोजेक्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए और बताइए कि और मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग तरह से बनाया वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये मैंने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस लिया है जो मेरी साड़ी के साथ का है और ये 80 सेंटीमीटर के करीब अस्तर भी है इसमें। और ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है अस्तर को। अभी मैं बैक पार्ट कट करूँगी इसमें। तो ये मैंने 11 इंचेस पर इसको फोल्ड कर लिया है और मैं लेंथ ले रही हूँ 15 इंचेस में रेडी रखूँगी ब्लाउज़ को। तो मैं 16 इंचेस पर इसको मार्क कर रही हूँ और ये बैक पार्ट है ब्लाउज़ का और ये शोल्डर ले रही हूँ मैं 7.5। और मैं इसको स्लीवलेस बनाऊंगी इसलिए मैं यहाँ पर आर्म होल का जो डेप्थ है वो ले रही हूँ 6 इंचेस। और ये मेरी चेस्ट है 34, तो 34 को मैंने 4 से डिवाइड किया, ये 8.5 आया। इसमें 0.5 लूजिंग रखी और 1.5 मार्जिन रखा, तो ये 10.5 हो जाएगा मार्जिन के बाद। तो मैं इसको 9 और 10.5 पे मार्क करूँगी। तो 9 इंचेस मैं इसमें फिटिंग के लिए और 1.5 एक्स्ट्रा मैं इसमें मार्जिन ड्रॉ करूँगी। तो ये देखिए, ये 9 इंच मैं फिटिंग के लिए इसमें ड्रॉ कर रही हूँ और ये 1.5 एक्स्ट्रा ड्रॉ करें। ये मेरी वेस्ट है 32, जिसको मैंने 4 से डिवाइड किया 8 आया, 8 में 1 प्लस किया 9 आया और 1.5 मैं इसमें लूजिंग लूँगी, मार्जिन लूँगी। तो ये आ रहा है मेरा 9 पे मैंने ड्रॉ किया और 10.5 पे इसको मैं जोड़ दूँगी। अब मैं यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ, ये बैक का आर्म होल है। अब मैं इस पर नेक ड्रॉ करूँगी, तो नेक मैं इस पर बोट नेक बना रही हूँ इसलिए इसको 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 2.5 इंच मैं डेप्थ ले रही हूँ इसकी और ये 2.5 और 4 इंच का बॉक्स बन जाएगा जिस पर मैं इस नेक को ड्रॉ करूँगी। ये बोट नेक बनकर रेडी होगा। अब मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर एक मार्किंग करूँगी गले से नीचे और ये 4 इंच पर सेंटर से मैं मार्किंग कर रही हूँ और इसका एक बॉक्स बना लूँगी और इसके ऊपर मैं ये बैक की ड्राइंग है। बैक में जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ उसके लिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। इसको मैं कट करूँगी मार्जिन देते हुए और नेक से लेके यहाँ तक की विड्थ मेरी 2.5 है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर डाउन कट लगाने के लिए 0.5 इंच पे डाउन कट दे रही हूँ आर्म होल की तरफ इस तरह से। अब मैं इसको कट कर लूँगी। और यहाँ पे थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये मेरे बैक का पार्ट कट के रेडी हो गया है। इसको मैं सेंटर से भी कट कर लूँगी और यहाँ पर मैं हुक पट्टी लगाऊँगी। अब ये मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ, इसके लिए मैंने कपड़े को वैसे ही 11 इंचेस पे फोल्ड कर लिया है और ये मैं शोल्डर ले रही हूँ 7.5 इंचेस और मैंने इसकी लंबाई ली है 16 इंचेस और ये मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ 6 इंच पर क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है।
इस पर मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाऊंगी, उसकी मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर मैं चेस्ट ले रही हूँ 9.5 इंचेस, 0.5 इंचेस मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि मैं बीच में कट लगा कर सिलाई लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और मार्जिन 1.5 मिलाकर ये 11 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। वैसे नीचे मैं 1.5 इंचेस टक्स के लिए एक्स्ट्रा लूँगी, तो मेरे नीचे 9.5 पर मैं मार्क करूँगी। और ये नेक ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ये 4 इंचेस, और नीचे डाउन की तरफ मैं 3 इंचेस ले रही हूँ। ये 3 और 4 इंचेस का बॉक्स बन जाएगा जिस पे मैं नेक ड्रॉ करूँगी। ये बोट नेक बनेगा फ्रंट में। अब ये शोल्डर कट कर रही हूँ, तो 1 इंच मैंने अंदर की तरफ मार्क किया और इसको इस तरह से ज्वाइन कर लिया। ये मेरा फ्रंट का आर्म होल इस तरह से मैं ड्रॉ करती हूँ। अब मैं फुल बस्ट का मार्किंग करूँगी, तो ये मैं 10 इंचेस पे यहाँ पर ड्रॉ मार्क किया मैंने, और ये 4 इंचेस सेंटर से इसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये मेरा फुल बस्ट का पॉइंट निकल आएगा, और नीचे से भी 4 इंचेस पे लेके मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। ये देखिए 4 इंचेस नीचे भी, और इसको मैं स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। और इसके बाद इसको मैं आर्म होल की से इसको इस तरह से, ये 5 इंच डाउन पर मैंने मार्क किया है, इसको मैं मिला लूँगी आर्म होल से। ये देखिए इस तरह से, अब नीचे मैं 1.5 इंच का टक्स दूंगी ये, तो इसको मैं कट ही कर दूंगी, कट करके अलग कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ फुल बस्ट का, ये इस तरह से। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए इस तरह की कटिंग मैं करती हूँ। ये नीचे मैंने 9.5 और ऊपर भी मैंने 9.5 पे इसे मार्क किया है, उसको मैं मिला रही हूँ। और ये 11 इंचेस पे ये जो मार्किंग है मार्जिन के लिए, उसको मैं मिला रही हूँ। इसमें हल्का सा मैं और कट दूंगी। तो ये देखिए मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ, इसको इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन कट लगा रही हूँ 0.5 इंचेस आर्म होल की तरफ डाउन लेते हुए। तो ये देखिए मेरे फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब मैं इन सारे कटिंग्स को अपने मेन कपड़े पर रखकर काटूंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मार्जिन देते हुए मैं इसको कट कर रही हूँ। ये बैक का पार्ट मैंने कट कर लिया है, अब मैं ये फ्रंट का पार्ट कट करूंगी। तो ये एक साइड मेरा जुड़ा हुआ है, फोल्डेड साइड पे मैंने उसको रखा है एक तरफ, और ये इस तरह से मैं फ्रंट की कटिंग भी कर लूंगी। ये मेन कपड़े पे मैं कटिंग कर रही हूँ अस्तर को रखकर। और ये मैंने 12x10 इंचेस का ये कपड़ा लिया है जो मैं पीछे बैक में लगाऊंगी फ्रिल देते हुए, तो इसको मैं कट कर लूंगी। ये 10x12 इंचेस का क्लोथ है, ये देखिए बैक पार्ट पे मैं इसको इस तरह से फ्रिल देते हुए 4 इंचेस का तक इसको लगाऊंगी नीचे से। और इस पर मैं दो इस तरह की दो पट्टियां भी नीचे लगाऊंगी, और एक बो बनाकर लगाऊंगी मैं इस पर। इस तरह से बो बनाकर मैं इस पर अटैच करूंगी, ये देखिए। अब मैं ये और एक पट्टी काट रही हूँ, तो मैंने इस स्क्वायर पीस को ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया है, और इस तरह से मैं पट्टी काट लूँगी जिसको मैं स्लीव्स पे और नीचे लगाऊंगी। ये 1 इंच की पट्टी है।
अब मैं मेन पार्ट को और अस्तर को अटैच करूँगी। तो ये मैं ऑल पिन से इसको अटैच कर रही हूँ, इसके बाद मैं सिलाई लगाऊँगी। मैं अस्तर को मेन पार्ट के साथ अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अलग से पट्टी नहीं लगाऊँगी, इसलिए मैं सीधे कपड़े के ऊपर अस्तर को रखकर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। सीधे साइड पर ही अस्तर को रखकर मैं इसके गले को और इसका नीचे जो डिज़ाइन बना रही हूँ उसको मैं स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद मैं इस पर हल्के कट्स दे दूँगी और कट्स देकर इसको पलट लूँगी। ये देखिए मैंने इसको पलट लिया है और अच्छे से ओपन कर लिया है इसको, और इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूँगी। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है ऊपर से सिलाई लगाने से। तो ये देखिए इस तरह से मैं दूसरा पार्ट भी रेडी कर लूँगी। बैक का मैं इसी तरह सेकंड पार्ट भी रेडी कर लूँगी और यह मैं बीच में आई पट्टी तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस पे आई पट्टी अटैच कर दी है। यहाँ पर मैं हुक लगाऊंगी। अब नीचे मैं 15 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और 4 इंच थोड़ा ऊपर की तरफ मार्क कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने जो प्लेटेड डिज़ाइन बनाई है वो अटैच करूँगी मैं 15 इंचेस पे और ऊपर से 11 इंचेस पे। ये 4 इंच विड्थ का है। ये देखिए मैंने प्लेट देते हुए इस को बनाया है और बीच से भी मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। और ये दो पट्टियाँ जो मैं इसमें नीचे लगाऊंगी लटकन की तरह, उसको मैं सीधा करूंगी और उसके ऊपर एक सिलाई लगा लूंगी। और मैं इस पर एक बो भी बनाऊंगी। ये देखिए इसको मैं बीच से कट कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैं आई पट्टी लगाऊंगी और हुक पट्टी लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं इस पे पट्टियाँ लगाऊंगी जिस पे मैं हुक्स लगाऊंगी। और ये मेरा बैक ओपन ब्लाउज बन जाएगा। ये मैंने इस पे हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच कर दी दोनों तरफ। और जो ये साइड में कपड़ा बचा हुआ है इसको मैं डबल फोल्ड कर इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो इसी तरह से मैं दोनों पार्ट्स तैयार कर लूँगी। अब मैंने ये बो भी बनाकर रेडी कर लिया है। इसको मैं सुई धागे की हेल्प से इस पर अटैच कर दूंगी सेंटर में। और इसके बाद अब मैं फ्रंट पार्ट रेडी कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट का नेक मैं इसमें सिल रही हूँ और इसमें मैं अलग से पट्टी नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने सीधे कपड़े के ऊपर अस्तर को रख कर सिलाई कर रही हूँ मैं। इस तरह से सिलने के बाद मैं इस पर कट्स लगाऊंगी और इसको पलट दूंगी। तो इससे मेरा ब्लाउज़ का गला बनकर रेडी हो जाएगा। ये बोट नेक बनकर रेडी हो जाएगा, ये देखिए। और इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूंगी। आप चाहें तो एक्स्ट्रा पट्टी लगाकर भी इसको रेडी कर सकते हैं। अब मैं इस पूरे अस्तर को इसके साथ सिलाई के हेल्प से अटैच कर लूँगी, अस्तर और मेन पार्ट को। चारों तरफ इस तरह से सिलाई देते हुए मैं इसको अटैच कर ले रही हूँ। ये देखिए मैंने अस्तर के साथ इसको अटैच कर लिया। बाकी के पार्ट्स को भी मैं इसी तरह से सिलाई करते हुए
अस्तर के साथ मेन पार्ट को अटैच कर लूँगी। तो मेरे फ्रंट के दोनों पार्ट अस्तर के साथ अच्छे से अटैच हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने इसमें से कट कर दिया है। अब ये मैं फुल बस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। और ये देखिए 10 इंचेस पे मैंने यहाँ पे मार्क किया था, वो मैं इस पे मार्क कर रही हूँ ऊपर से 10 इंचेस। और इसको मैं मिलाकर सिलाई कर लूँगी। ये मैं पहले इसको जोड़ लूँगी और इसके ऊपर से एक और सिलाई मैं लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए। ये ऊपर की तरफ से मैं लगाऊंगी। अब ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, मैंने दोनों पार्ट्स को जोड़ दिया है इसमें। अब मैं नीचे पट्टी लगा रही हूँ, ये और पट्टी मैंने जो काटी थी वो इस पे लगा रही हूँ मैं। और इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। अब मैं दोनों शोल्डर पार्ट्स को जॉइंट करूंगी, बैक के और फ्रंट के। ये देखिए अब मैं अपने आर्म होल पर इस तरह से पट्टी लगाऊंगी। ये और एक पट्टी मैंने जो कट की थी वो मैं और एक पट्टी इस पे लगा रही हूँ। तो पहले मैं इसको आर्म होल पर स्टिच कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मेरे आर्म होल पे मैंने ये पट्टी अटैच कर ली है। तो ऐसे मैं दोनों आर्म होल्स पे इस तरह से पट्टी अटैच कर लूँगी। अब मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करूँगी। तो उसके लिए मैं मार्किंग करूँगी पहले। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और ये मैं ऊपर चेस्ट की मार्किंग 9 इंचेस ले रही हूँ और वेस्ट की मार्किंग 8 इंचेस ले रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको मार्क कर लिया है और इस मार्किंग को मैं आगे और पीछे मिलाते हुए जॉइंट कर लूँगी। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से ये देखिए मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा कर जॉइंट कर लूँगी। मेरा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें हुक्स लगा लूँगी। तो ये देखिए मैंने हुक्स इस पे लगा लिए हैं। ये मेरा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। ये इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इस तरह से दिखता है। और ये देखिए मैंने इसको वेयर किया है, इसका लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। आपको मेरा ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन कैसे लगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरा ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। लव यू दोस्तों।